नमस्कार, न्यूज़क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सत्यम। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित, लागू हुई आचार संहिता। देश में 24 घंटे में कोरोना के 1,80,000 नए मामले, 7 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीज। पीएम की सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गठित की कमेटी। और कश्मीरी पत्रकार सज्जाद गुल के परिवार ने की उनकी रिहाई की मांग। अब खबरें विस्तार से, और उसमें सबसे पहले विधानसभा चुनाव अपडेट। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में 10 फरवरी से शुरू होकर मतदान 7 मार्च तक होंगे और 10 मार्च को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसी के साथ आचार संहिता लागू करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक दल 15 जनवरी तक रैली जनसभा नहीं कर सकेंगे। वर्चुअल रैली और डोर टू डोर प्रचार करने की इजाजत होगी और डोर टू डोर प्रचार में भी केवल 5 लोग ही जा सकेंगे। 15 जनवरी के बाद कोरोना के हालात का रिव्यू किया जाएगा और फिर रैलियों और जनसभाओं पर फैसला लिया जाएगा। अगर रैलियों की इजाज़त दी भी गई तो इसमें कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालन इसका पालन किया जाएगा। इसके साथ ही इन 5 राज्यों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और नामों को भी हटा दिया जाएगा। इसी बीच आज गोवा में बीजेपी के विधायक और मंत्री माइकल लोबो ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल लोबो पार्टी से नाराज चल रहे थे और उन्होंने आरोप लगाया था कि पार्टी अपनी विरासत को भूल गई है। इतना ही नहीं, उनके समर्थकों की भी लगातार अनदेखी की जा रही थी। उन्होंने कहा कि मैं अन्य राजनीतिक दलों के साथ भी बातचीत कर रहा हूं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कोरोना की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटों में कोरोना वायरस के करीब 1,80,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 146 लोगों की इस दौरान मौत हुई है। देश के सभी राज्यों में कोरोना के मामलों की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है। बीते दिन महाराष्ट्र से 44,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं पश्चिम बंगाल से करीब 24 और दिल्ली से 22,000 नए मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक में भी 12,000 से ज्यादा केस मिले हैं। हालांकि इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 46,500 के करीब मरीजों को ठीक तो किया गया, लेकिन एक्टिव मामलों में आज फिर से करीब 1,33,000 मामलों की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद देश में एक्टिव केस 7 लाख से भी ज्यादा हो गए हैं। साथ ही कल रविवार को ओमिक्रॉन के 410 नए मामले दर्ज होने के साथ ही अब ओमिक्रॉन के देश भर में 4,000 से ज्यादा मामले हो चुके हैं। और अब तक वैक्सीन की बात करें तो 151,94,00,000 से भी ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं, जो पिछले 24 घंटे में करीब 29,60,000 डोज दी गई। और आज से बुजुर्गों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज भी देने की शुरुआत हो चुकी है। 5 जनवरी को फिरोजपुर जाते वक्त फाजिल्का फ्लाईओवर पर पीएम मोदी को 20 मिनट तक रुकना पड़ा था, जिसे उनकी सुरक्षा में चूक बताया जा रहा है। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए एक पैनल बनाया जाएगा जिसका नेतृत्व रिटायर्ड जज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जाँच कमेटी का गठन भी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि समिति में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी यानी NIA की DG और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB की पंजाब यूनिट के एडिशनल DG भी शामिल होंगे। इसके साथ ही केंद्र और पंजाब सरकार को अपनी अपनी जांच रोकने का भी आदेश दे दिया गया है। आपको बता दें कि 5 जनवरी को पीएम की सुरक्षा में हुई कथित चूक के मामले में कई दिनों तक मेनस्ट्रीम मीडिया से इसको कई दिनों से उछाला जा रहा है। हालांकि वायरल वीडियो में पीएम की गाड़ी के एकदम नज़दीक जो लोग नजर आ रहे हैं, उनके हाथ में BJP के झंडे हैं और वो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। और आखिरी खबर में बात करते हैं कश्मीरी पत्रकार सज्जाद गुल की। सज्जाद गुल की रिहाई की मांग उनके परिवार ने की है और साथ ही न्यूयॉर्क स्थित कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने भी भारत सरकार से मांग की है कि पत्रकार सज्जाद गुल को फौरन रिहा किया जाए। गुल को पिछले दिनों तब गिरफ्तार कर लिया गया था जब उन्होंने सरकार विरोधी एक प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। मीडिया की निगरानी करने वाली संस्था CPJ ने शनिवार को कहा कि एक छात्र और स्वतंत्र पत्रकार सज्जाद गुल की गिरफ्तारी बहुत परेशान करने वाली खबर है और अधिकारियों को उनके पत्रकारिता के खिलाफ चल रही जांच फौरन रोकनी चाहिए। भारतीय सुरक्षा बलों ने गुल को बुधवार रात उत्तर पूर्वी कश्मीर में शाहगंज स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था। उनके परिवार के मुताबिक उन्हें सेना के जवानों ने गिरफ्तार किया और फिर पुलिस को सौंप दिया। पहले पुलिस ने कहा था कि उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, मगर शुक्रवार को उन पर UAPA के तहत देशद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया, जिसमें मौत की सजा तक का प्रावधान है। आज के न्यूज़क्लिक के डेली राउंडअप में सिर्फ इतना ही।
हमारी बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsclick.in पर जाइए, हमको YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए। आप सब स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। देखने के लिए शुक्रिया।